पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। दोस्तों, फाइटर फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म होगी, जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और वायकॉम 18 स्टूडियोज और मॉर्फ्लिक्स पिक्चर द्वारा बनाया गया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और अनिल कपूर अहम भूमिका में होने वाले हैं और यह एक नियोजित हवाई एक्शन फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी। पूरे ट्रेलर में हवाई फायरिंग की दमदार एक्शन सीन जबरदस्त है, जो फिल्म की 80% शूटिंग आकाश में की गई है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन का लव एंगल केमिस्ट्री को भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म के विलेंस की बात करें तो ऋषभ साहनी ऋतिक रोशन के अपोजिट होने वाले हैं, जो ट्रेलर वीडियो में जबरदस्त एक्शन करते हुए ऋषभ साहनी को दिखाया गया है। ऋषभ साहनी फाइटर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और यह उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी जिसमें वह एक पाकिस्तानी होने का निगेटिव रोल निभा रहे हैं। जो फिल्म में मुख्य विलेंस के किरदार में ऋषभ साहनी सभी हीरो भारी पड़ने वाले हैं। उनके लुक्स और फिटनेस की भी तारीफ की जा रही है। ऋषभ ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2021 में आई वेब सीरीज द एम्पायर से की थी। इस वेब सीरीज में उनके साथ डीनो मोरिया, नसरुद्दीन शाह और कुणाल कुरूफ भी थे। पूरे ट्रेलर देखने पर पता चलता है कि ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म एक देशभक्ति पर आधारित होगी, जिसमें बालाकोट और पुलवामा हमले की कहानी को दिखाया जाएगा और फिल्म में ऐसे सीन को क्रिएट करने के लिए रियल लाइफ के IAF कैडेंटो को शूटिंग के लिए इस फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऋतिक रोशन स्क्वाड्रन लीडर के रूप में शमशेर पठानिया के किरदार में नजर आने वाले हैं और वही अनिल कपूर कैप्टन राकेश सिंह के रूप में होंगे। फाइटर फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है, जो फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर के साथ ऋषभ साहनी, करण सिंह ग्रोवर और संजीदा शेख भी है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।